स्वागत है आपका एक और देवभूमि उत्तराखंड के नए ब्लॉग में। आ जाए हैं गांव राजपुर फतेहगंज, और ये राजपुर फतेहगंज का सुंदर और भव्य मंदिर है जो तहसील गदरपुर उत्तराखंड में पड़ता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, महापर्व पर आज यहां कीर्तन का आयोजन किया गया है। उससे पहले दोस्तों, यहां पर जो हरिद्वार से कांवड़िया आए हैं उनके स्वागत के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है, पंडाल बना रखा है और सब कुछ उनके लिए ही ये प्रोग्राम है। देखिए, यहाँ कांवड़ के सामने सभी गांव वाले मिलकर यहाँ आरती कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा और कितना अद्भुत ये माहौल है, बना रखा है इन सभी गांववासियों ने मिलकर, और आज पूरा गांव भोले में हो चुका है। देखिए कितने तन मन धन से यहाँ आरती की जा रही है सभी कांवरों के सामने। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये अद्भुत आरती। Oh, my God.
नजारा देख रही एक प्यारे भोला कितनी दूर बोलो तो भाई बम बम के दाता सुगरे में बोले नाथ पार्वती। अरे कांवर की पूजा करूं मन के फूल पर निरानवारो चूतिया रे के प्यारे गुरबा। दोस्तों आरती और पूजा पाठ होने के बाद अब तैयारी हो रही है एक सुंदर से कीर्तन के लिए। पूरी रात यहाँ पर कीर्तन किया जाएगा कन्हई एंड उसकी पार्टी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भोले के कीर्तन के लिए जोत जला रहे हैं एक कन्या के हाथ से। यहाँ पर इस पवित्र और दिव्य जोत को प्रज्वलित किया जा रहा है। देखिए जोत प्रज्वलित हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर सुंदर और प्यारा सा भोलेनाथ का कीर्तन होगा। देखिए यहाँ पर कन्हई एंड कन्हई की पार्टी द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर कीर्तन को प्रारंभ कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ढोल मास्टर बाजे मास्टर और सिंगर सभी कलाकार बुक्सा समाज के हैं। दोस्तों बुक्सा समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो आइए आपको दिखाते हैं सुंदर सा कीर्तन। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में
देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर और मनमोहक झांकी निकाली जा रही है इन कलाकारों के द्वारा। दोस्तों, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने बुक्सा संस्कृति का नाम रोशन किया है, बुक्सा समाज का नाम रोशन किया है। ये कलाकार दोस्तों राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और समय समय पर बुक्सा समाज के लिए ये कलाकार दूर दूर जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता ब्लॉक स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो। बुक्सा संस्कृति का झंडा इन्होंने पूरे देश में फहरा रखा है। तो दोस्तों, ऐसे कलाकार को ज़रूर सपोर्ट करें। और आज देखिए, यहाँ राजपुर फतेहगंज में यहाँ शिव और पार्वती का रूप धारण कर इस कीर्तन में चार चांद लगा रहे हैं। तो दोस्तों, कॉपीराइट का इश्यू है, इसलिए आपको हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते। अब इस ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोले की, जय भोले की, जय माता की, जय माता की।